हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज ये हमारा 71 डे है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का। तो आइए देखते हैं इसके सेंटेंसेस। नंबर वन, दूध फट गया, अब खीर कैसे बनाऊं? द मिल्क हैज टर्न्ड सॉर, हाउ टू मेक राइस पुडिंग नाउ। टू, जब आप हारते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं बजाय जीतने के। You tend to learn more when you lose than when you win. 3. जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप कम सोते हैं। When you become old, you tend to sleep less. 4. तुमने कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। You had told me to always stand by me. 5. क्या अभी तक तुम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए हो? Have you not taken him to a doctor yet? 6. घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। No sooner had I left home than it started raining. 7. हमें खुशी है कि आज हम इतने लोगों तक पहुंच चुके हैं। वी आर हैप्पी टू रीच दीज मैनी पीपल नाउ। 8. राम काफ़ी देर ठहरने के लिए मेरे घर आया। राम केम टू माई होम टू स्टे फॉर ए लॉन्ग। 9. ऐसी घटनाएं मुझे दुखी कर देती हैं। सच इंसिडेंट्स सैडन मी। 10. हमें एक दूसरे का साथ भाता नहीं है। वी आर नॉट कंपेटिबल टू इच अदर। 11. पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। 12. मुझे लगता है कि तापमान आज 100 डिग्री पहुंचेगा। आई एक्सपेक्ट टेम्परेचर टू अप्रोच 100 डिग्रीज टूडे। 13. इस मीटिंग को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। दिस मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर ए मंथ। 14. उसे अपनी शादी की तारीख बदलनी पड़ी। He had to change his marriage date. 15. हमारे बॉस ने कल एक मीटिंग बुलाई थी। Our boss had convened a meeting yesterday. 16. इस अवसर पर एक पार्टी आयोजित की गई। A party was convened on this occasion. तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के सेंटेंसेस। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।